आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आए हैं, वो भी मिर्च के अचार की, जो भी झटपट जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। तो मैं हूँ दीक्षा और आपका स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल कुकिंग विद दीक्षा में। तो चलिए बनाते हैं मिर्च के अचार। तो उसके लिए मैंने ये पतले वाले मिर्च ले लिए हैं, जिसको हमने धोल के 10 से 15 मिनट तक अंदर पंखे में सुखा लिया है। आप तो चाहे कपड़े से भी इसको पोंछ के सुखा सकते हैं। और फिर मैंने ये नाइफ़ लिया है, नाइफ़ को हमने थोड़ा सा टेढ़ा करके मिर्च को काटा है। मिर्च को हमको पतला लंबा नहीं काटना है, आपकी जैसी मर्जी। हमने सोचा इस तरह से हम बनाएं इसका अचार, देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और छोटे छोटे पीसों में रहते हैं, तो हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। आपकी मर्जी, जैसे आपको जिस तरह से कट करना हो। तो मैंने इसी तरह से सभी मिर्च को कट कर लिया है। हम ये बरसात के मौसम में ये रेसिपी बना रहे हैं, तो इसमें ना तो धूप की ज़रूरत पड़ेगी ना तो इसको सुखाने की, बस ये जल्दी से बन के रेडी हो जाएगा। हमने सभी मिर्च को अच्छी तरह से कट कर लिया है लंबे पीसों में, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमने पैन में तेल गरम कर लिया है, धुआं आने तक उसको जलाना नहीं है तेल को, बस थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें मिर्च को हम डाल देंगे। बस इसको हम चलाते रहेंगे बीच बीच में, इसमें इसको 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको अच्छे से चला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। इसको थोड़ा हम सॉफ्ट होने तक चलाएंगे। ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो बस ये जहाँ तक है अच्छी तरह से पक ही गए हैं, तो हम थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से अभी पक चुके हैं, तो इसमें हम अचार का मसाला डाल देते हैं, बना हुआ रखा था। और इसमें 1/2 चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर, और इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अगर नमक आप थोड़ा सा भी ज़्यादा डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही अच्छा रहेगा, अचार और देर तक दिन तक चलेगा। और 1 चम्मच हम खट्टेपन के लिए इसमें आमचूर पाउडर डाल देते हैं। बस क्या था, इसको फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको चढ़ाते जाना है। मसाला हमारा जले ना, अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से अचार में मिक्स हो चुका है, तो हमारा मिर्च के अचार एकदम अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। तो बस आप भी इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।